मत किया करो तुम मुझे फोन। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? आप कुछ नहीं हो सकता। देखो तुम्हारे और मेरे रास्ते हमेशा के लिए अलग अलग हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम पाकिस्तान आओ या ना आओ। सुनो तुमने, बस कर दे अम्मी। जहेज के नाम पर दामाद का घर भरना मुझे बहुत बुरा लगता है। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी है और मेरे हर पति का जिम्मेदार भी नहीं होना चाहिए। क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? मानूर, हम कहीं बेवकूफ तो नहीं बन रहे? किससे? सरताज का यूं अचानक बदल जाना, हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं हो रहा? तम्मी, पीरा भाभी से बदगुमान हो रही है। वो अभी तुम्हारे भाई से बात कर रही थी कि हाँ जी, मारूर को शॉपिंग पसंद आई? अरे वाह जी भाभी, सब बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। हादी का फोन था? जी जी, हादी की कॉल थी। कह रहे थे कि मानूर की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब फोन आए तो कहना कि जरा जल्दी आ जाए। इन्हें क्या हुआ है? होना क्या, बेटे को मिस कर रही है और क्या। अच्छा भाभी, ये बताएं कि ये आई शेड्स कैसे हैं और मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा? तुम पे तो सारे कलर सूट करेगा। और क्या लिया तुमने? तो शाइनी है ना, ये अच्छी लगेगी। तेरा प्यार नहीं भूलेंगे। पलाशा, चाय में कितनी देर है अभी? सुबह आपकी बहन आई थी। आंसा आई थी यहाँ? तुमने मुझे बताया नहीं। अब तो बता रही हूँ ना। और अगर मेरी नजर इस कार पर न पड़ती तो न बताती? अगर ना भी बताती या नजर ना भी पड़ती तो भी दुनिया अपनी जगह से ना हिलती। कितना सोचा था असगील के बारे में, मगर सब अधूरा रह गया। महज उसकी और उसकी बेटी की खुद सरी की वजह से। कार्ड तो पढ़ा ही होगा आपने, आगा जी की बेटी से उसकी शादी असगील की। क्या फर्क पड़ता है, ये सब नसीबों की बात है। क्या बात है खान जी, बहन और भांजी के लिए फिर से दिल मोम तो नहीं हो रहा? तुम जो भी कहो पलेशा, मगर आंसा खुद कार्ड देकर एक बार फिर हमें गलत साबित कर गई है। मुझे परवाह नहीं है उसकी, उसकी औकात ही क्या है कि आपको मुझे गलत साबित करे। बस करो पलेशा, बस करो। उसकी औकात जानने से पहले हमें अपनी औकात जाननी होगी। हमारी औकात तो यह है कि उसने हम पर, हमारे घर पर, हमारी औलाद पर, अपनी औलाद को तरजीह दी है। इसका मतलब यह हुआ ना कि हम कहीं ना कहीं गलत हैं। खान जी, क्या बात है, फिर से उनकी मोहब्बत क्यों दिल में जागने लगी? अरे शायना, तुम? अस्सलाम वालेकुम बेटे। अचानक बस सरप्राइज, मैं आप लोगों से उदास थी, मिलने आई। कैसी हो? बड़ा अच्छा। शुजा नहीं आया? शुजा कुछ दिनों तक आएंगे, वो अपने बिजनेस की वजह से बिजी थे। मैंने सोचा कि मैं फ्री हूँ, आप लोगों से मिलने आ गई। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बेटी, शुजा का बिजनेस तो ठीक चल रहा है ना? मैंने सुना था कि आते ही तफ्तीश शुरू कर दी आपने। चलो चल के मुआ दो, फ्रेश होके फिर बाबा से बात करना। चले। तुमने कम से कम आने की कोई खबर दी होती, हम गाड़ी लेकर आते तुम्हें एयरपोर्ट से लेने। ये सरप्राइज था इसलिए। ये क्या बात है। लेकिन इस बड़े मुतालबे के पीछे कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह कोई नहीं, बस मेरी छठी हिस कह रही है कि ये शादी
कुछ दिन रुक ही जाए तो अच्छा है। ज़ारा, अगर सब लोग छठी हिस्स की वजह से फैसले करने लगे तो फिर तो दुनिया का सारा निजाम रुक जाएगा। आप अच्छी तरह जानती हैं कि छठी हिस्स का कोई वजूद नहीं है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है जी। जब बेटी की शादी हो तो माँ बाप की खेत होती है। आपको डरना नहीं चाहिए। हस्किल के बारे में हमारे फैसले पर आपने मुकम्मल एतमाद जाहिर किया था। वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ दिन की ताखीर हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप तो कार्ड तक तकसीम हो चुके हैं। अगर बगैर वजह की ताखीर करेंगे तो ये दोनों घरों की बदनामी का बायस होगा। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तुम्हारे खान बाबा को तो वहम हो गया है। वो कहते हैं शुजा सब कुछ सेल करके शिफ्ट क्यों हो गया है? खान बाबा से कहें कि परेशान मत हो, सब कुछ ठीक है। तुम खुद ही कह देना, मेरी तो आजकल किसी बात का उनको यकीन नहीं आता। कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं, बस सोचने लगे इतने बड़े घर में हम अकेले रह रहे हैं। अम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब आप लोग अकेले नहीं हैं। अरे तुम तो चंद दिनों के लिए आई हो, बहन की मोहब्बत उन्हें चैन से जीने नहीं देती। फूफो कैसी है? ठीक है, अगले हफ्ते हज़ील की शादी है मानूर के साथ। खुशकिस्मत है मानूर। खुशकिस्मत मानूर नहीं, तुम हो जिसे शुजा जैसा शोहर मिला। आप लोग शादी पर जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आई थी तुम्हारी शादी पर, हमारी गैरत कैसे गवारा करेगी कि हम उसकी शादी पर जाएं? हेलो जी, ठीक है। अगर आपने 25 अक्टूबर 2011 से अपनी टॉकशॉक सिम नहीं इस्तेमाल की तो अभी सिम वापस लगाएं और फौरी 100 फ्री मिनट्स और 1000 फ्री एसएमएस हासिल करें, वो भी बगैर किसी इजाफी चार्जेस या इस्तेमाल के।